कैनेडा नूं लै के आपां गल हमेशा करदे हां चाहे इनटेक्स दी, पर इत्थे एक सवाल बहुत ही संजीदा बनिया होया है। साडे कोल भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जी कैनेडा कम तो है नहीं, बच्चे उत्ते जाके करन की। सो अज यही चीज़ समझण की कोशिश करांगे कम नूं लै के, ते जिहड़ियां रिसेशन दियां लगातार खबरां आउंदियां ने उस नूं लै के कि आखिर अज दे टाइम विच की स्थिति बनी हुई है कैनेडा विच पार्ट टाइम जॉब्स नूं लै के स्टूडेंट्स बहुत कंसर्न ने। और दूसरी गल, जदों आपां आउटसाइड टोरंटो, ओंटारियो ते ब्रैम्पटन रीजनस दी गल करदे हां, इस तो इलावा होर केड़े रीजनस विच चंगीयां कॉलेजेस दी और यूनिवर्सिटीज़ दी ऑप्शन है जिथे चंगा कम भी मिल सके। स्टूडेंट जड़ा है वो अपने लिविंग एक्सपेंसिस कढ़न लई अपने कम नूं लै के बहुत चिंतित हुंदा है, इसलिए अज दी इस वीडियो विच आपां कई पॉइंट्स तुहाडे नाल सांझे करन जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर, ते इह सारिआं गल्लां अज तुहानूं समझाणगे, अवेयर करनगे नैविगेटर ओवरसीज़ तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज़ वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सति श्री अकाल। सति श्री अकाल, नमस्कार सारिआं नूं। मैम देखो, तुसी बहुत सालों तो इस फील्ड दे विचों कई स्टूडेंट्स का सुपना साकार किया है किसी भी कंट्री जाने के लिए। सो 26-27 साल के एक्सपीरियंस तो बाद अज जो आप कैनेडा की पिक्चर देख रहे हैं, बहुत सारी खबर, रिसेशन है, काम नहीं मिल रहा, स्टूडेंट परेशान हो रहा है, इस फेस में देखते हुए तुसी की कहोगे? सब तो पहला तो इसी उपर ही गल करांगे आपां। हर जो तो एक टैंपरेरी फेस होंगे हर कंट्री विच आते। मैं हुण यूरोप गई सी लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, मेरे इस साल मैं होके आई हाँ, चार महीने हुए है। उत्थे भी रिसेशन, क्योंकि यूक्रेन वार का जड़ा असर पे है उहदे कारण उन्होंने कोई ऑयल प्राइज, कोई गैस प्राइज वधे हुए सी, लोगों के दिमाग च चीज़ा सीगियां। तो हर कंट्री का एक टैंपरेरी फेस आता है कि जब रिसेशन होंदा है, बाकी कोई इन्ने लंबे टाइम के नहीं होंगे कि जिद बच्चे सोचन कि इन्नी बड़ी कंट्री है इंडिया तो तुसी जब देखो बहुत बड़ी कंट्री है और पापूलेशन किन्नी का है, बहुत घट पापूलेशन है। सोर्सिज उन्होंने को बहुत ज़्यादा है, उन्होंने को जो तुम चले जाओ अल्बर्टा साइड तो जिन्नी माइन्स का तुम मिल जाएगा काम, है ना, पेट्रोलियम वगैरह का, एक कि स्टेट सस्केशवन साइड मिल जाएगा तुम मेरे ख्याल, क्योंकि जड़ी चीज़ा इन्हों को बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स पेट्रोलियम का यह सारा काम है। और जो इन्ना काम है नैचुरल अपने तो हर चीज़ एडवांस भी है जी। जो देखा जाए तो हर चीज़ एडवांस है अपने तो। एक टैंपरेरी फेस नूं लैके आपां ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ परमानेंट है। मैं तुहानूं दसा 2008-09 की गल है मेरे ख्याल, क्योंकि ईयर मैनू गलत भी ध्यान हो सकता है। आस्ट्रेलिया दे विच उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आई सी कि जेडे कि आस्ट्रेलियन मतलब इंडियंस ते अटैक हो रहे है, ये है वो है, कम्यूनिटी राइट्स। बट तुसी देखो बिल्कुल टैंपरेरी फेस सीगा, 5 साल आस्ट्रेलिया ने इंडियंस नू वीज़ा नहीं दिता सी इस करके, क्योंकि कहानियां अपने लोगों की होंगी, आपस च लड़ाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आदि मीडिया च, ते उहदे बाद 5 साल के बाद जब असी सानू बच्चों घरों खिंच के वीज़े लगवाने पे सी। अज हर बच्चा आस्ट्रेलिया मंग रहा, राइट। मैं जड़ा इन्ना लंबा साडा सफ़र है और इन्नी लंबी जर्नी है इस चीज़ च, इस फील्ड च, तो असी हर कंट्री नू बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। इस करके कोई भी बच्चा ये डिसकरेज ना होए कि उत्थे काम नहीं है। कोई भी जब आपां घरों जाने किसी भी स्टेट नू भी इंडिया च चेंज करांगे, महीना दो महीना आपां नू सैटलमेंट अपनी वास्ते लगेगा, फिर कोई आपां फ्रेंड्स बनावांगे, कोई रेफरेंसिस बनावांगे, जॉब लवांगे, ये हर जगह इदां ही हुंदा है। तो इदा कोई घबराने की गल नहीं है। हुण मेरा अपना रियल नैफ्यू लास्ट मंथ हो गया है, उदी PR हुई हुई सी, जानते सारे उन्होंने एक कैनेडा के कॉलेज के इंटरनेशनल ऑफिसर की जॉब मिली है एंड इट्स अ गुड सैलरी एज वैल। बिल्कुल बिल्कुल। सो उही गल है कि सही रस्ते वल अगर असी वधांगे सही सलाह दे नाल तां ही तुसी अपनी मंजिल ते सही ढंग नाल पहुँच पाते हो। सो मैम इत्थे आपां गल करिए टोरंटो, ओंटारियो, ब्रैम्पटन, इधर ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चला गया और जिस करके खबरां जड़ियां कि काम नूं लैके दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट अपना लिविंग एक्सपेंसिस तक नहीं कढ पा रहा। पर आपां इन्हां ऑप्शनस तों अलावा अगर गल करिए चंगे कॉलेजेस दी, चंगी यूनिवर्सिटीज़ दी, ऑप्शनस भी उत्थे जानना चाहूँगी इन्हां ते। मेरे ख्याल मीडिया दा जिहड़ा रोल है 15 साल तो शुरू होया जी, ठीक है। उस तो पहले मीडिया नहीं, न्यूज़पेपर होंगे ज़्यादा जी। जब तो मीडिया शुरू होया मेरे ख्याल मैं मैक्सिमम हर शो ते बैठी हाँ जी, और सारिया नु एक है कि तुसी जे कहोगे कि मैं ब्रैम्पटन ही जाना, मेरे रिश्तेदार है जिते पीड़ होगी उत्थे काम करन च भी मुश्किल आएगी, काम मिलन च भी मुश्किल आएगा, तुहानू जिहड़ी रेजीडेंस है रहन वास्ते जगह भी महंगी मिलेगी, हर चीज़ तुहाडे वास्ते महंगी होगी, तुसी उत्थों हट के
स्टेट्स के बच्चे जाओ, तुम अलबरटा जाओ, नोवा स्कोशिया जाओ, तुम सस्केचवन जाओ, मैं जो बच्चे मेरे से डिपेंडेंट से हूँ की है उतों उन्होंने रिश्तेदार जड़े है ना उन्होंने ज़्यादा सलाहवा देंगे तो बच्चा सैटल नहीं हो पाता क्योंकि एज ए वीजा कंसल्टेंट सानू पता कि ये स्टेट के बच्चे की पी आर बहुत ईजी है ठीक है। हूँ एक कॉलेज है लेकलैंड कॉलेज मान लो वो अलबरटा तो एक होर स्टेट है आई एम फॉरगेटिंग उन्होंने दोनों के बॉर्डर पर है तो उन्होंने दोनों बच्चे उस दोनों स्टेट्स के जेडे है वह बेनीफिट मिल रहे हैं बिल्कुल। तो इदा के कॉलेज के बच्चा सस्केचवन च जाएगा उत्थे मास्टर्स के बड़े अच्छे कोर्सेज है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट उत्थे जेडे बच्चे मैं भेजे 8 months स्टडी करके पीजी डिप्लोमा अगले 6 months उन्होंने पी आर हो जाती है 960 घंटे का जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि वो उन्होंने बन जाता फोर मंथ के 2 semesters है विच जो काम करके उन्होंने पूरा कंप्लीट हो गया एंड ना वो पहले 6 महीने बाद होता से हूँ वो इमीडिएटली कोर्स करके अप्लाई कर सकते उन्होंने पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं जी। तो जब तुम 1.5-2 साल पी आर मिल रही है तुम क्यों वह जी जगह जाना चाहते हो जिथे तुम 5-5 साल पी आर नहीं मिलनी है फिर तुम उ जाके फिर यकीन मनो कि स्टूडेंट्स उत्थे जाके फिर नैक्सट जी स्टेट असं दस रहे उ जाके फिर शिफ्ट होंगे है नैचुरल वो पहले ही चले जाते इन्नी देर से तो इन्हों पी आर भी हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल सही गल तुसी कही है। सो देखो इतने इसलिए असं बार बार हर वारी ये गल जरूर करते हैं कि एक चंगा तजुर्बेकार कंसल्टेंट जड़ा है तुहानू अपने इन्ने सालों के एक्सपीरियंस के नाल ही गाइड करते हैं तो इसलिए वीना गोयल मैम असं खास तौर पर इनवाइट करते हैं इन्होंने वीडियोज़ के लिए ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हो सकन बहुत सारे सवाल होंगे ने जिदा देखो कॉलेज ऑफ रॉकीज़ है जी नाम ही उदा रॉक कॉलेज ऑफ रॉकीज़ रॉक्स जी जी ठीक है ब्रिटिश कोलंबिया च पैंदा है जी। इदा बहुत सारे कॉलेजेस है जेडे थोड़ा जा सिटी तो हटके है दूर है लोकेशंस बहुत अच्छी है उन्होंने टूरिज्म बहुत है यह जी जगह टूरिज्म का कोर्स जब बच्चा हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म का कोर्स ले वो बहुत सक्सेसफुल है ऑलरेडी रेडी जॉब है और जी अकोमोडेशन है मान लो इतने 700-800 मिल रही है तुम टोरंटो या अंटारीओ के टोटल $500 की कॉस्ट करेगी जरा कॉस्टिंग की गल कर रहे लिविंग एक्सपेंसिज घट हो गए बच्चे के ठीक है नैचुरल हर चीज़ वो जो लिविंग घट हो गई सैलरी उन्होंने ज़्यादा मिल रही है तो वो सेविंग भी ज़्यादा हो रही है जो अपना मकसद है कि पढ़ ला मैं एक अच्छी कंट्री पढ़ के फिर सैटलमेंट की तरफ जाव रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट अच्छा हो जाए वो सारी चीज़ा उन्होंने जी है इस मतलब हिसाब नाल पूरी हो सकती है लेकिन कई बार की होंगे कि मैडम मेरे ना उत्थे मामा रहिंदे आ चाचा रहिंदे आ वो 1 week 10 days दे लिविंग एक्सपेंसिस बचाण वास्ते तुसीं अगे $1,000-1,000 बिना मतलब खराब करोगे जिहड़े लॉयर चार्जेस दे विच फिर तुहाडा जिहड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है फिर तुसीं शिफ्ट करोगे दूजी स्टेट च बल्कि तुहाडा जिहड़ा है बहुत सारा पैसा खराब हो रहा है जी बिल्कुल। सो तुहाडा बहुत सारा पैसा ते टाइम खराब ना होवे इसलिए असीं भी इन्हां वीडियोज़ दे जरिए तुहानू अवेयर करन दी कोशिश करदे रहिंदे आ। बाकी तुहाडा अपना कोई डाउट हो कोई भी सवाल है तो इस नंबर ते तुसीं कॉल करके नैविगेटर ओवरसीज़ दी टीम दे नाल टाइमली कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो कमेंट सैक्शन में भी तुसीं अपने सवाल जरूर साडे नाल सांझे कर सकते हो। तो बहुत बहुत थैंक्स मैम तुसीं अज ते सारी जानकारी अपने तजर्बे दे नाल जो जो तुसीं अपने फील्ड विच हुण तक देखिया है उस तजर्बे दे नाल स्टूडेंट्स नूं हमेशा गाइड करदे हो ते अज चंगीआं ऑप्शनज भी बहुत सारीआं स्टूडेंट्स नूं दसीआं ने। सो अगों भी असीं स्टूडेंट्स लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे अज के लिए सानूं दिओ जी इजाजत थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच।